जैसे ही आप एमडी रेडियोलॉजी में आते हैं तो सबसे पहले डाउट होता है कि यार हमें लैपटॉप कौन सा लेना है, क्योंकि रेडियोलॉजी में काफी काम आपको लैपटॉप पे करना है। लैपटॉप पे आपको केसेस देखने हैं, सीटी के, एमआरआई के प्रेजेंटेशंस बनानी है, सेमिनार बनाने हैं, थीसिस का काम करना है, तो लैपटॉप बहुत जरूरी है। किसी भी लैपटॉप को चूज करने से पहले हमारे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात, लैपटॉप थोड़ा लाइट वेट होना चाहिए। लैपटॉप का कंसेप्ट ये है कि वो पोर्टेबल होना चाहिए, इजी टू कैरी होना चाहिए। और रेडियोलॉजी में स्पेसिफिकली आपको अपनी जब रिपोर्ट साइन करानी होगी तो कोई प्रोफेसर बोलेगा कि यार मेरे रूम पे आ जा केस लेके और रिपोर्ट लेके, आप उसके रूम पे अपना लैपटॉप लेके जाओगे जिसमें आपने स्टोर कर रखा होगा, तो दूसरा प्रोफेसर कहेगा कि सेमिनार दिखाने के लिए मेरे रूम पे आ जा, तभी आपके को गाइड या गाइड का फोन आ जाएगा कि अपना थीसिस के केसेस दिखाने के लिए क्या क्या तूने लिखा है वो दिखाने के लिए मेरे रूम में आ जा। तो जगह जगह आपको अपना लैपटॉप लेके घूमना है, तो लैपटॉप लाइट वेट होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, बैटरी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट वो डिपेंडेबल होना चाहिए, ये नहीं कि लैपटॉप चलते चलते बीच में ही ऑफ हो गया। और तीसरी चीज ये है कि आप किस लैपटॉप के साथ फैमिलियर हैं। फॉर एग्जांपल मैं एमबीबीएस में था तो उस समय तो बजट कम होता है, तो जब मुझे पीएसएम यानी कम्युनिटी मेडिसिन का एक सेमिनार बनाना था तो मैंने उसी समय 2014 में 25,000 का विंडोज लैपटॉप लिया था। ये वो विंडोज लैपटॉप है जो मैंने 2014 में लिया था, काफी मोटा है, काफी बल्की है, और उस टाइम के हिसाब से ये ठीक था क्योंकि ये फर्स्ट लैपटॉप था मेरा। तो जब मैं एमडी रेडियोलॉजी में आया तो शुरू के कुछ महीनों में सैलरी नहीं आती, तो बजट वैसे ही टाइट होता है, पर रिपोर्ट करने के लिए केसेस मिल जाते हैं, तो क्या करें, इसलिए पुराना ही लैपटॉप मैंने यूज किया। फिर जब सैलरी आई 3-4 महीने बाद तो नया लैपटॉप खरीदना था, तो ऐसे में ये सिचुएशन आती है कि यार मैं पहले ही विंडोज लैपटॉप के साथ फैमिलियर हूँ, विंडोज लैपटॉप पे मैंने रेडिएंट डायकॉम व्यूअर डाल के चलाना सीख लिया है, अब क्यों मैं फालतू में मैकबुक खरीदूं जिसमें सारा इंटरफेस अलग होगा, उसके लिए होरोज या ओसिरिस जैसे डायकॉम व्यूअर डाउनलोड करने पड़ेंगे, उन्हें समझने में टाइम लगाना पड़ेगा, वैसे ही इतना रिपोर्टिंग के केसेस देते रहते हैं, थीसिस का काम देते रहते हैं, सेमिनार बनाने को देते रहते हैं, तो बेटर है कि विंडोज के साथ हमारा एक्सपीरियंस ऑलरेडी है तो विंडोज लैपटॉप ले लेता हूँ। फिर मैंने एक एचपी X360 13 इंचेस का लैपटॉप, वो लैपटॉप मैं अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे फ्रेंड को जरूरत थी तो मैंने उसको दे रखा, उसका लैपटॉप खराब था पर वो काफी लाइट वेट था, काफी अच्छा था, वो मैंने उस समय 50,000 में खरीदा था, बट अप्रॉक्सिमेटली 50,000 से 70,000 के बीच में, मेरे जितने जूनियर्स है अप्रॉक्सिमेटली 70,000 में उन्होंने लैपटॉप्स खरीदे हैं एचपी के या फिर डेल के 13 इंचेस के आसपास, जो कि काफी पोर्टेबल, काफी लाइट वेट होते हैं, हल्के फुल्के होते हैं। विंडोज में एक और अच्छी बात है कि उसकी कंपैटिबिलिटी है, यानी आपको किसी सेमिनार रूम में जाके अपना लैपटॉप कनेक्ट करना है, प्रोजेक्टर के साथ लैपटॉप कनेक्ट करना है, कुछ भी ऐसा करना है तो विंडोज लैपटॉप इजिली कनेक्ट हो जाता है, उसके अंदर यूजली पोर्ट्स भी ज्यादा आते हैं, उसके साथ कनेक्टर भी इजीली अवेलेबल हो जाता है, उसका रिपेयर कॉस्ट कम होता है। विंडोज लैपटॉप खराब हुआ तो उसका मैकेनिक आपको इजीली मिल जाएगा नेहरू प्लेस में जाके या वजीरपुर मार्केट जो दिल्ली में, पर मैकबुक के साथ ये है कि उसका रिपेयर करना मुश्किल है। दूसरी चीज, आप उसके सर्विस सेंटर पे जाओगे वो 2,500-3,000 रुपए तो सिर्फ डायग्नोसिस के लेंगे, यानी जस्ट चेक करने के लिए कि फॉल्ट क्या है, और उसके बाद उनका जवाब हमेशा सेम ही आता है कि भाई मदरबोर्ड खराब हो गया, हम पार्ट को रिप्लेस करेंगे, हम रिपेयर नहीं करते, और वो रिप्लेसमेंट के लिए डायरेक्टली आपसे 30,000 से कम तो मांगेंगे नहीं, 30,000-40,000 ऐसा मांगेंगे। तो मैकबुक के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है और आप शौकीन हो कि मुझे तो यार एप्पल की चीजों में मजा आता है, मुझे मैकबुक का शौक है, तो ही आप लो, अदरवाइज विंडोज बढ़िया है, सारा काम विंडोज पे बहुत स्मूथ है। देन जब मैं एसआरशिप में आया तब मेरे पास काम थोड़ा कम हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि मैकबुक लेके ट्राई करते हैं। मैकबुक का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बैटरी उसके डिपेंडेबल है, आप अगर मैकबुक चार्ज है और किसी के पास लेके जा रहे हो प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए तो यू कैन रिलाई ऑन इट, आप मैकबुक को खोलोगे वो चल जाएगा, ऐसा नहीं कि उसके अंदर बफरिंग का सर्कल घूमता रहेगा 70%, 80%, 90% और वो चल ही नहीं रहा, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि वो अचानक से शो करेगा कि बैटरी 10% रिमेनिंग अपने आप ऑफ हो गया। विंडोज में ये दिक्कत है कि 1-1.5 साल के बाद बैटरी उसकी खराब सी हो जाती है और वो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आपको चार्जर हमेशा साथ कैरी करके ले जाना पड़ेगा विंडोज लैपटॉप के। आई थिंक 80% लोगों के लिए विंडोज ही बेटर है क्योंकि ज्यादातर लोगों को विंडोज लैपटॉप का एक्सपीरियंस होता है, बट अगर आपको मैकबुक का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, आप उसके इंटरफेस से फैमिलियर हैं, तो आप मैकबुक ले सकते हैं, बट जो भी आप लैपटॉप लें वो लाइट वेट होना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए 13 इंचेस का वेरियंट ज्यादा अच्छा है। इंटेल 5 प्रोसेसर भी चल जाएगा, 512 GB यानी 512 GB भी चल जाएगा, एंड आई विल सजेस्ट के साथ में एक ब्लूटूथ वाला माउस भी ले लो क्योंकि माउस पे काम करने से थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है।